जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इन्हें हमें पकाना है हल्के हल्के से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, आधा कटोरी दही, 3 मीडियम साइज के प्याज, 2 टमाटर, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती। अब मसाले देखते हैं। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नींबू का रस आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, आधा कटोरी बेसन, 2 चम्मच तेल। अब सबसे पहले इन सभी चीज़ों के हम क्यूब्स में काट लेंगे। सबसे पहले इन्हें हम साफ कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम क्यूब्स काट लेंगे इसके। बाकी इसी तरह से हम सभी शिमला मिर्च के क्यूब्स काट लेंगे, टमाटर, प्याज और पनीर के। ये देखिए थोड़ी सी शिमला मिर्च हमने काट ली है जितनी ज़रूरत है। अब इस तरह से प्याज के हमने 4 पीस कर लिए हैं। अब इसके भी हम क्यूब्स निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये वाला हटा देंगे, इसके बाद इस तरह से निकाल लेंगे आराम से। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च हमने क्यूब्स में काट लिए हैं। अब पनीर को भी काट लेते हैं इसी तरह से क्यूब्स में। पहले इसके बड़े स्लाइसेस हम कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके क्यूब्स भी कर लेंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे दही, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे बेसन, मसाले डालेंगे गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे एक बार। इसे मिक्स करने के बाद हम तेल को गरम करेंगे धुएंदार थोड़ा सा। देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है धुएंदार। अब इसे हम इसी में डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये सभी चीजें, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे, इसे हम भी मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से, क्योंकि पनीर बिल्कुल सॉफ्ट होती है इसलिए टूट सकती है। ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छे से कोट हो जाए इसमें। ये देखिए 20 मिनट हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इस तरह की एक मेटल की हम छड़ी लेंगे, उसमें इस तरह से एक आलू स्टफ कर देंगे सपोर्ट के लिए। अब इसमें हम ये पनीर लगा देंगे, एक शिमला मिर्च लेंगे, इसी तरह से हम सभी चीजें लगाते चले जाएंगे। लास्ट में एक आलू फिर से हम लगा देंगे सपोर्ट के लिए। इसी तरह से हम दूसरी वाली भी बना लेंगे। ये देखिए 2 स्टिक हमने तैयार कर ली हैं। अब गैस ऑन करेंगे हम और इन्हें हम सेकेंगे। घुमाते हुए पकाएंगे। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इन्हें हमें पकाना है हल्के हल्के से, स्पॉट्स भी आ जाए तब तक इन्हें पकाएंगे हम। ये वाला पक के तैयार है, इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे।
ये देखिए इसी तरह से हमने दूसरी वाली स्टिक भी तैयार कर ली है। अब इसे हम निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल जूसी सा पनीर टिक्का बनके तैयार है। इस पर हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए पनीर टिक्का बनके तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको हमारी सबसे पहले मिले।